डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशीष। आज मैं आपको बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं कि आप अगर रशिया में यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो आप एक एग्ज़ाम्पल दूंगा आपको कि आपको किस तरह की यूनिवर्सिटी में आप कंफर्टेबल फील करेंगे। सबसे मेन बात तो पहला थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए कि आप MBBS रशिया क्यों करने चाहेंगे। उसका मेन रीज़न ये है कि आपका MCI मोर देन 50% फॉर जनरल कैटेगरी है एलिजिबिलिटी, और अगर आपका नीट क्वालिफाई हो गया, क्वालिफाई मतलब लास्ट ईयर का क्वालिफाइड मार्क्स थे 134 जनरल कैटेगरी के लिए। OBC के मार्क्स भी हम बताएंगे, अगर आपको ज़रूरत है आप हमें कॉल कीजिए, हमारे से इन्फॉर्मेशन लीजिए। आज हम बताने जा रहे हैं कि रशिया में अगर आप MBBS करने जाते हैं तो आपको किस तरह की यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे तो आपको कंफर्टेबल होगा। अगर आप छोटी सिटी में यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, वहाँ पे कंफर्टेबल ही होगा कि आपका लो कॉस्ट फीस की आएगी, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग आएगी, लो कॉस्ट ऑफ हॉस्टल आएगी, तो आपको कंफर्टेबल होगा क्योंकि आपका बजट जो ओवरऑल बजट है वो कम पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका टोटल बजट 24 लाख 25 लाख रुपीज़ में टोटल आपका बजट में आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें सब कुछ आ जाता है आपका, खाना पीना रहना। आज हम इसी तरह की एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहे हैं, उसका नाम है तंबोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के बताने के बारे में बताने से पहले मैं छोटा सा आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि आप रशिया इसलिए जा रहे हैं कि आपको एक अच्छी सुपर पावर कंट्री में जिनकी साइंस स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड में आती है, आप अपनी मेडिकल करें। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द टॉप इन द वर्ल्ड में माना जाता है। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मेंडेलीव टेबल, दूसरा एग्जांपल फर्स्ट मैन इन द कॉस्मोस, तीसरा एग्जांपल कोविड वैक्सीन, चौथा एग्जांपल कोविड का ही अगर मोर्टैलिटी रेट देखा जाए तो इट इज़ द लोएस्ट इन रशिया, सिमिलर टू जर्मनी। यूनिवर्सिटी के बारे में अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो तंबोव मेडिकल यूनिवर्सिटी मॉस्को से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पे है रशिया में। रशिया इज़ रशिया, रशिया को आप कजाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रशिया वॉज द कैपिटल ऑफ सोवियत यूनियन एंड स्टिल रशिया इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, जो लिखा जाता है बुक्स में, इकोनॉमिक साइंटिफिकल। मैं उन्हीं वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूँ जो आप लोग न्यूज़ में भी देखते हैं। अगर रशिया के बारे में, तंबोव यूनिवर्सिटी के बारे में हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, तंबोव एक छोटी सी सिटी है, वहाँ पे लो कॉस्ट है यूनिवर्सिटी की और लो ही हॉस्टल कॉस्ट है और लो ही लिविंग एक्सपेंसेस हैं। ओवरऑल रशिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज विद 146 मिलियन पॉपुलेशन, मतलब 14 करोड़ 60 लाख लोग के करीब पूरे रशिया में रहते हैं। एंड तंबोव 480 किलोमीटर की दूरी पे मॉस्को से है। आपको बड़ा ही कंफर्टेबल है मॉस्को से ट्रैवल करना, क्योंकि आप 7 घंटे की ट्रेन लेके भी पहुंच सकते हैं और आधे घंटे की फ़्लाइट लेके भी पहुंच सकते हैं। तंबोव एक कॉम्पैक्ट और सुंदर सिटी है जो कि एक रिवर के साइड पे है। वहाँ पे समर्स में बच्चे जो हैं काफ़ी रिवर साइड पे अपना गेम्स स्पोर्ट्स करने भी जाते हैं। तंबोव में म्यूजियम्स भी बड़े सारे हैं, उसकी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हैं। 3 थिएटर हैं वहाँ पे, 9 म्यूजियम्स हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, वहाँ पे तंबोव की यूनिवर्सिटी में काफ़ी कंट्रीज़, ऑलमोस्ट 36 कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं मेडिकल पढ़ने। बैचलर डिग्रीज़ भी हैं, मास्टर डिग्रीज़ भी अवेलेबल हैं, PhD भी अवेलेबल है, रशियन लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, फ्रेंच मीडियम भी है वहाँ पे और इंग्लिश मीडियम ऑब्वियसली वो तो है ही। ऑलमोस्ट तंबोव यूनिवर्सिटी में 300 प्रोग्राम्स हैं अलग अलग तरह के। इट इज़ नॉट ओनली कि सिर्फ MBBS ही कर सकते हैं आप वहाँ पर, फार्मेसी भी है, डेंटिस्ट्री भी है,
तंबोव यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी 1918 में, तो 102 इयर्स पुरानी यूनिवर्सिटी है। कुछ लोग ये सोचते हैं पुरानी है तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहाँ पे सारी बिल्डिंग सारी यूनिवर्सिटीज़ पुरानी ही हैं क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना ऑलरेडी स्ट्रांग हो गया था। इसीलिए सारी यूनिवर्सिटीज़, अगर आप ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया देखते हैं तो वो मॉस्को है जो कि 248-250 ईयर्स पुरानी है। तंबोव में पिछले 15 साल से इंग्लिश मीडियम है और पिछले 15 साल से ही इंडियन बच्चे जो हैं इवन मोर देन दैट पढ़ने जाते हैं। जब वहाँ पे रशियन मीडियम था तब भी वहाँ पे इंडियन बच्चे पढ़ते थे, आज की डेट में इंग्लिश मीडियम और फ्रेंच मीडियम दोनों में बच्चे आते हैं। स्टूडेंट्स दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया और स्टूडेंट्स दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज़, अरेबिक कंट्रीज़। टोटल पढ़ाई जो है वो ओवरऑल रशिया में 12,000 घंटे की होती है। यूनिवर्सिटी तंबोव यूनिवर्सिटी इज़ MCI रिकॉग्नाइज्ड, ऑब्वियसली इट इज़ अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, WHO रिकॉग्नाइज्ड, और जो भी यूनिवर्सिटी है तंबोव की उसमें जो सिस्टम है वो ECTS सिस्टम के बेस पर ही क्रेडिट सिस्टम है, ताकि आप अगर उस यूनिवर्सिटी को क्लियर करके US में USMLE या यूरोप में जर्मनी जाके जर्मन एग्ज़ाम या फिर इंडिया आके MCI के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का टेस्ट दें तो आप एलिजिबल हैं। जो भी टेस्ट आप क्लियर करेंगे उसके बाद आपकी जो डिग्री है वो एलिजिबल है, आप या तो उसके बाद PhD करिए या फिर आप उसके बाद डॉक्टर का लाइसेंस लेके अपनी जॉब कीजिए, अपना खुद का क्लिनिक खोलिए। टोटल जो है वहाँ पे मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली आप लगा के चलिए अप्रॉक्सीमेटली 600-700 स्टूडेंट जो हैं वो इंडिया से पढ़ रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स से। आपकी वहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स हैं और जो भी आपके मेडिकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो उसके जो टीचर्स हैं वो दे आर PhD डॉक्टर्स, दे आर साइंटिस्ट, दे आर रिसर्चर्स। आपको A to Z मतलब कंफर्ट जोन मिलता है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में रेगुलर 15th August, दिवाली, दशहरा, इस तरह के होली, इस तरह के फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं। कुछ फोटोग्राफ्स आप ऑलरेडी देख रहे होंगे कि बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे हॉस्टल हैं, कंफर्टेबल हॉस्टल्स हैं, कॉमन किचन्स हैं, बच्चे चाहें तो अपना खाना खुद बनाएं, बच्चे चाहें तो अपना खाना बाहर से भी खा सकते हैं। वहाँ पे हर जगह सुपरमार्केट्स अवेलेबल हैं, अरे अलग अलग तरह का फूड अवेलेबल है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। तंबोव में सब कुछ अवेलेबल है आज की डेट में, अगर आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, हाँ बहुत स्पेशलाइज स्पाइसेस आपको कभी कभी नहीं मिलती हैं लेकिन वो आप मॉस्को से ऑनलाइन शॉप से मंगा सकते हैं। तंबोव मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसका हम अभी आपको सिंपल प्रोसीजर है, आपको ना आइल्स की ज़रूरत है ना टॉयफल की ज़रूरत है। आपकी PCB के मार्क्स पे जो कि जनरल कैटेगरी लिए जैसे मैंने बताया 50% से अबव होने चाहिए एंड नीट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। आप अगर आप फ़ी स्ट्रक्चर देखते हैं तो टोटल जो है तंबोव स्टेट मेडिकल का फ़ी स्ट्रक्चर, आप A to Z सारे एक्सपेंसेस, टिकट, वीज़ा सब कुछ लगाइए तब भी आपका जो खर्चा है खाने पीना सब कुछ मिला के आपका अप्रॉक्सीमेट अमाउंट 25-26 lakhs के ऊपर नहीं जाता है, विच इज़ वेरी वेरी कम्फर्टेबल फॉर मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, दोज हु आर प्लानिंग फॉर एडमिशन्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड आर नॉट एबल टू अफोर्ड फॉर एडमिशन्स इन इंडिया, कि इंडिया में तो प्राइवेट कॉलेजेस दे आर वेरी वेरी कॉस्टली। सो फ्रेंड्स, आज हमने आपको एक तंबोव मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, उसके प्लस पॉइंट्स बताए आपको। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, और कोई भी आपको यूनिवर्सिटी या रशिया की एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग MBBS, बैचलर्स डिग्री, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर सिंस 1989, हमें ऑलरेडी 30 साल का एक्सपीरियंस है, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है एडमिशन्स के लिए। स्टूडेंट्स के साथ काम करते हुए हमें 30 साल हो गए हैं एंड वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रशिया, हैविंग मेनी यूनिवर्सिटीज़ इन आर पोर्टफोलियो, मोर देन 14 यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे हम आप लोगों को एडमिशन के लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन करा सकते हैं और आपका A to Z
आपकी एक्टिविटीज़ के लिए जो भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए हम आपको सपोर्ट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।